हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, मैं आपकी होस्ट और दोस्त पूजा चौहान। आज मैं फिर से आपको 3 BHK विला दिखाने लेके आई हूँ, जो कि हमारा गिलको वैली के एडजॉइनिंग में है। और हाईवे से जो इसका डिस्टेंस रहेगा सिर्फ आपका अप्रोक्सीमेटली 100 मीटर के डिस्टेंस पे है। तो गाइज, अगर आप इस साइड को देखें तो यहाँ पे जो आप रोड देख रहे हैं प्रॉपर बनी है, जो कि 20 फीट के आसपास है, और प्रॉपर यहाँ पे फैमिलीज वगैरह रह रही है। तो ये हमारे घर का फ्रंट एलिवेशन है, जिसमें 2 BHK हमारा ग्राउंड फ्लोर में है और 1 बेडरूम सेट हमारा फर्स्ट फ्लोर में। आए तो इस घर में देखते हैं अंदर। तो यहाँ से आपकी रैंप्स रहेगी, जहाँ पे आप इजीली अपनी एक छोटी कार यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। प्रॉपर आपको यहाँ पे जो है स्टेनलेस स्टील के गेट दे रहे हैं, जिसमें यहाँ पे अभी वुडन का जो माइका कह सकते हैं, वुडन का वर्क लगना भी बाकी है। इस साइड को देखिए तो यहाँ पे 2 व्हीलर आप इजीली प्लेस कर सकते हैं। टैप के लिए हमने बाहर आपको प्रोविजन दिया है, ताकि अगर आपने कार वगैरह अपनी वॉश करनी हो तो आप इजीली यहाँ पे वॉश कर सकते हैं। और इस साइड को देखिए तो प्रॉपर हमने यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का विद मिरर के साथ यहाँ पे वर्क किया है। इसमें आप अपने जो हैंगिंग फ्लावर पॉट्स होते हैं लाइक, वो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो आए फिर इसी के साथ ही आपकी ये वाली जाती है फर्स्ट फ्लोर के लिए स्टेयर्स, जहाँ पे हमारा 1 BHK बना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं यूटिलिटी एरिया है। यहाँ पे हमने कनेक्शन दे रखा है आपको पाइप्स का, आप सिलेंडर यहाँ पे लगा सकते हैं। और इस साइड को देखिए तो थोड़ा सा हमने यहाँ पे मिरर नहीं टाइल का वर्क करा है, ताकि आपकी कोठी अच्छी लगे इवन। और यहाँ से जैसे आप अंदर की तरफ को एंटर होते हैं, अभी यहाँ पे डोर वगैरह लगने बाकी है, तो आपने इस दरवाजे को देख के अंदाजा लगा दिया होगा कि अभी हमारे घर में बहुत सारा ऐसा काम है जो अभी बचा है। तो अभी जितना हो रखा है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो आए तो गाइस, यहाँ से जैसे आप आते हैं तो गाइस ये आ जाता है आपका लिविंग प्लस डाइनिंग एरिया। बहुत स्पीशियस है, 123 गज में बना है। और ये देख सकते हैं ये हमारा डोर रहेगा, ये प्रॉपर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा डोर हमने यहाँ पे बनाया है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आप लिविंग एरिया में जहाँ पे आप 4-6 सीटर सोफा विद टेबल इजी प्लेस कर सकते हैं। कॉर्नर आपको यहाँ पे विंडो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और इवन कि आपको कर्टन्स के लिए रॉड भी दे रहे हैं, ये देख सकते हैं हम। और इस साइड को अभी वॉलपेपर लगने बाकी है। और ऊपर की तरफ को देखें तो ऊपर आपको टीक का वर्क मिल रहा होगा डाउन सीलिंग में। तो गाइज, आप एक चीज़ और मैं दिखाती हूँ, आप ये देख सकते हैं ये हमारे लेटेस्ट डिज़ाइन जो चल रहे हैं लूबर्स के, ये अभी लगने बाकी है। तो आप सस्पेंस रखिए कि ये कहाँ पे लगेगी। ओके, तो यहाँ पे डाइनिंग स्पेस के लिए आपके लिए प्रोविज़न दिया है, इजीली आप यहाँ पे डाइनिंग टेबल प्लेस कर सकते हैं। तो गाइज, हर घर में क्या ज़रूरी होता है, मंदिर। तो यहाँ देख सकते हैं हमने मंदिर आपको प्रोवाइड करवाया है, प्लस आपको LCD पैनल। अब इसमें बहुत सारा काम अभी बाकी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉर्नर में हमने यहाँ पे कुछ वुडन्स का आपको वर्क करवा के दे रहे हैं। इसमें कोप लाइट का प्रोविज़न आपको देंगे, जिसमें आप फ्लावर पॉट्स वगैरह अपने रख सकते हैं। तो हमारे डाइनिंग एरिया के बिल्कुल ही फ्रंट में आ जाता है आपका बहुत ही ज़्यादा स्पीशियस का किचन। ये देख सकते हैं बहुत बड़ी किचन है, आप इजीली यहाँ पे अपना 2-3 पर्सन इजीली खाना वगैरह कुक कर सकते हैं। और एक बार आप ये देख सकते हैं कि प्रॉपर हमने यहाँ पे कबर्ड्स आपको बना के दे रहे हैं, जो कि हमारे हाइड्रोलिक कबर्ड्स रहेगी। और इस साइड को देखिए ग्रे, ये आपका चिमनी के लिए स्पेस है। और ऊपर भी देख सकते हैं हमने प्रॉपर यहाँ पे वुडन का आपको वर्क करवा के दे रहे हैं। और गाइज, ये देख सकते हैं हमने इस घर में जो है इनोटेक का यूज़ कर रखा है। और यहाँ पे देखिए प्रोफाइल हैंडल का यूज़ कर रखा है, ये आपको यहाँ पे कॉर्नर्स मिल रहे हैं। क्योंकि मैक्सिमम क्या होता है कि अगर मैं हूँ या कोई भी है तो हमारा हाथ उतने पीछे तक नहीं जाता, तो हमने यहाँ पे इजीली आपको कॉर्नर का प्रोविज़न दिया है। तो यहाँ पे आप इजीली कुछ भी सामान रखना हो इजीली स्टोर करके रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको साउंड प्रूफ जो है ये डिश वॉशिंग एरिया मिल रहा है, टैप्स के लिए प्रोविज़न है, वेंटिलेशन के लिए विंडो। और यहाँ पे देखिए तो आपको गीजर के RO के लिए प्रोविज़न है। तो यहाँ पे अभी आपका RO फिट हो जाएगा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे जो है कबर्ड में कटिंग करके ऑलरेडी रख दिया है, राइट। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे जैसे आप बर्तन वगैरह धोते हैं, है ना, तो आपको क्या होता है कि जो प्लेट्स वगैरह होती है वो गीली हो जाती है। तो आप इसको यहाँ पे रख के और इसको यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, अपना पानी वगैरह जो भी है वॉट एवर। तो इस साइड को देखिए तो यहाँ पे आपको माइक्रोवेव के लिए प्रोविज़न है, आप इजीली यहाँ पे माइक्रोवेव। तो यहाँ पे हमने आपको कबर्ड्स के लिए प्रोविज़न दिया है, आप
अपने आटा चावल वगैरह यहाँ पे इजीली रख सकते हैं। गाइज ऊपर की तरफ को देखिए तो प्रॉपर आपको यहाँ पे डाउन सीलिंग का वर्क मिल रहा है और विद टीक के वर्क के साथ जो कि आजकल लेटेस्ट चला है। तो ये हमारे जो है दोनों बेडरूम है और यहाँ पे देखिए तो हमने आपको ये प्री पेंटेड गैनलाइज शीट का यूज़ करा है जिसमें जंग और दीमक नहीं लगती है। और इस साइड को देखिए तो ये आपके रहते हैं फ्लश डोर, राइट। और ये सारा काम हम कोठी पे जब आप आओगे तो हम ये सारा वुडन का काम हम यहीं पे करते हैं। और ये आ जाता है आपका बेडरूम एरिया। तो यहाँ पे देखिए हमने बोथ साइड आपको लूवर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, बहुत ही प्यारा लगता है गाइस देखने में। और इस साइड को देखिए तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं एंकर ब्रांड की स्विचेस आपको यहाँ पे रहेगी। वी गार्ड की वायरिंग का हमने यहाँ पे यूज़ करा है। गाइस मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बताती हूँ क्योंकि मैक्सिमम आपको कोई भी नहीं बताएगा जब भी आप घर परचेज करोगे। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे अभी हमने वॉलपेपर ऑलमोस्ट सेलेक्ट कर दिए हैं तो वो भी एक दो दिन में जो है यहाँ पे लग जाएंगे। और बोथ साइड देख सकते हैं आपको लूबर्स का वर्क मिलेगा। और इसी के साथ इस साइड को देखिए तो यह जाते हैं आपके स्लाइडिंग डोर्स और वो भी आपको फुल हाइट तक मिल रहा है। और देख सकते हैं आप रजाई तलाई ऊपर रख सकते हैं अपने जो डेली यूज वाले क्लोथ्स है वो यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि यहाँ पे देखिए कि हमने जो है ये कबर्ड्स को थोड़ा सा मतलब आधा फुट कह सकते हैं इसको, है ना, कि ऊपर उठा रखा है, आप अपना झाड़ू या पोचा जो भी करना हो इजीली आपके हाथ पीछे जा सके। और इस साइड को देखिए बेड के फ्रंट में ही हमारा LCD पैनल है, जब आप थके हारे कहीं पे आ रहे होंगे तो आप इजीली आराम से लेट के TV का एंजॉय ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी हमने प्रॉपर लूबर्स का वर्क करा है, नीचे के लिए आपको स्पेस दे रखे क्योंकि बच्चे रिमोट वगैरह गुम कर देते हैं। इवन मेरी सिस्टर मेरे ब्रदर वो भी यही करता है, जब भी TV वगैरह देखते हैं रिमोट इधर उधर। तो हमने आपके लिए यहाँ पे ऑलरेडी प्रोविजन दिया है। गाइस रुको ऊपर तो देखो एक बार, ये आपको बहुत ही प्यारा सा डाउन सीलिंग का डिज़ाइन विद लूबर्स के साथ और टीक वर्क के साथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। और इसी के साथ ही आ जाता है आपका अटैच वॉशरूम जो बहुत बड़े साइज में है। और यहाँ पे देखिए हमने 8 फिट तक यहाँ पे टाइल का वर्क करा है प्रॉपर और बाथ फिटिंग होनी बाकी है। आप आके इस घर को पसंद करिए, साथ के साथ हम यहाँ पे बाथ फिटिंग एग्जॉस्ट फैन के लिए प्रोविजन दिया है, वेंटिलेशन के लिए आपको विंडो दे रखी है, राइट। और इसी के साथ ही इस सेट को आ जाती है बेडरूम की वेंटिलेशन प्लस आपको अटैच वॉशिंग एरिया जो बहुत ही ज़्यादा स्पीशियस है, ये देख सकते हैं आप। और वेंटिलेशन भी आपको प्रॉपर ऊपर मिलेगी और पीछे हमने प्रॉपर जाली से कवर कर रखा है। और तो आए फिर चलते हैं हम अपने सेकंड बेडरूम में जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। और इसी के साथ ही हम अंदर की तरफ को एंटर होते हैं और नीचे की तरफ को देखिए प्रॉपर हमने यहाँ पे वुडन की टाइल का यूज़ करा है जो बहुत ही प्यारा लगता है। पर्सनली मुझे तो बहुत प्यारा लगता है, इवन कि मैंने अपने बेडरूम में सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट रेडी करा है। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आ जाता है आपके लूबर्स, यहाँ पे बीच में अभी वॉलपेपर लगना बाकी है, अभी डाउन सीलिंग में भी थोड़ा सा वर्क रहता है लूबर्स का। और AC के लिए आपको हर बेडरूम में प्रोविज़न है, आपका हॉल में प्रोविज़न है। या जाती है आपकी कबर्ड सेक्शन जिसमें आपको फुल हाइट तक यहाँ पे कबर्ड्स मिल रहे हैं प्लस आपको ये स्ट्रिप्स मिल रही है जो लेटेस्ट चल रही है। और बेड के बिल्कुल ही फ्रंट में आप देखिए कि आपको यहाँ पे LCD पैनल मिल रहा है। और यहाँ पे अभी हमारी जो है डेकोरेटिव आइटम की पार्टीशन होनी अभी बहुत ज़रूरी है तो वो भी हम बहुत जल्द यहाँ पे करेंगे। और इस घर में ड्रेसिंग एरिया बिल्कुल भी नहीं है, उसके लिए भी हमने यहाँ प्रोविज़न दिया है। तो हम इस एरिया में जो है अभी सोच रहे हैं कि हम उसको भी बनाएं, राइट। और ऊपर की तरफ को डाउन सीलिंग जैसे मैंने आपको दिखाया था और ये आ जाता है इसका अटैच वॉशरूम। गाइस वेंटिलेशन के लिए आपको प्रॉपर यहाँ विंडो मिल रही है, अगर आपने गाइस वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ प्रॉपर विंडो मिल रही है। अगर स्प्लिट AC नहीं लगाना है, विंडो AC लगाना है, आप गाइस यहाँ पे लग सकता है, कूलर भी आपको लग सकता है यहाँ पे, राइट। तो ये था हमारा ग्राउंड फ्लोर में बना हुआ 2 BHK। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट फ्लोर पे। हमने इस घर में आपको बाहर से ही स्टेयर्स दे रखी है क्योंकि क्या होता है ना, हम बहुत टाइम तक सोचते हैं कि अभी फ़िलहाल अपने पास 2-3 साल अपने पास रखते हैं, फिर आगे रेंट आउट भी अगर करना है आपने तो आपको मुश्किल ना आए। तो इसी के साथ ही अगर इस साइड को देखें तो विंडो में हमने प्रॉपर यहाँ पे ग्रेनाइट का वर्क करा है प्लस स्टेनलेस स्टील की आपको यहाँ पे रेलिंग मिल रही है और मीटर बॉक्स के लिए प्रोविज़न रहेगा। और इस साइड को आ जाती है आपकी प्रॉपर बालकनी एरिया
और यहाँ पे देख सकते हैं हमने बाहर आपको प्रॉपर डिजाइन दिया है। इस सीट को देखिए तो स्टेनलेस स्टील के रेलिंग के साथ टफन का ग्लास हमने यहाँ पे लगाया है, और यहाँ पे भी हमने बाहर थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करा है डाउन सीलिंग का। और तो गाइस यहाँ पे हमारा बेडरूम बना है, सॉरी बेडरूम नहीं, यहाँ पे हमारी किचन प्लस हॉल बना है। एक बार आप देख लें, ये देख सकते हैं कि आपकी किचन रहेगी सेम एज इट इज़, और ये आपका छोटा सा एक लिविंग एरिया, और इसी के साथ ही हमने कॉमन वॉशरूम दे रखा है बेडरूम और हॉल का। तो ये आ जाता है आपका बेडरूम एरिया जो बहुत ही प्यारा है, यहाँ पे भी वॉलपेपर लगेगा। ये आ जाता है आपका कबर्ड सेक्शन, तो इसी के फ्रंट में आपको LCD पैनल एंड देन वेंटिलेशन की प्रॉपर विंडो, ऊपर की तरफ आपको डाउन सीलिंग। तो हाँ एक बार ओपन एरिया भी देख लेते हैं। तो गाइस इस घर पे आपको लोन भी मिल जाएगा, अगर आप लोन वगैरह भी लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे आपके इजीली 2 बेडरूम इजीली बन जाएंगे विद अटैच वॉशरूम, राइट। तो गाइस ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी लोकेशन हम आपके लिए लेके आए, ये नहीं है कि आपको सुनसान जगह पे लेके आए हैं। तो आप एक बार देखें प्रॉपर यहाँ पे एरिया जो है बसा हुआ है, नियर बाय मार्केट्स है, जैसे आपने देखा था मेरी स्टार्टिंग में आपने देखा था जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें आपने देखा होगा कि प्रॉपर आपको ये प्रोजेक्ट ऐसी जगह मिल रहा है जहाँ पे आपको सारी चीज़ों की फैसिलिटी मिल रही है। और वो आपका इस सीट को देखिए तो गिलको वाले फ्लैट है। तो गाइस आप एक बार ज़रा नज़ारा ले इस खूबसूरत जगह का, वाओ बहुत ही प्यारी लोकेशन में घर है गाइस ये। तो गाइस ये थी हमारी 3 BHK की वीडियो, तो आए फिर एक बार ऊपर भी देख लेते हैं कैसे बना है। तो यहाँ से हमने स्टेयर्स दे रखी है आपको, तो गाइज़ यहाँ पे हमने आपको देख सकते हैं पानी की टंकी भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। ओके तो इस साइड को एक बार देखिए, आप फिर से देखिए। और जिनको अपना मोहाली या खरड़ जॉब के लिए जाना होता है आप उनको ऊपर वाला फ्लोर रेंट पे दे सकते हैं। 123 गज का विला है और 3 BHK, और इसका जो प्राइस रहेगा बहुत ही चीप रेट में, अगर आप सनी इनक्लेव में भी जाते हैं आपको इस बजट में घर नहीं मिलेगा गाइस, वो भी इतने प्यारे साइज के अंदर। तो इसका जो प्राइस है वो रहेगा आपका 78,90,000 इस घर का प्राइस है। बाकी जब आओगे थोड़ा बहुत तो हम भी जो है नेगोशिएबल कर देंगे, बाकी आप एक बार हमारी साइट ज़रूर विज़िट करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि घर के अंदर क्या क्या चीज़ों का हमने यूज़ करा है। अगर आपने हमारी कंस्ट्रक्शन देखनी है तो वीडियो में आपको नीचे लिंक दिया है, वहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक भी फॉरवर्ड करें, क्या पता वो आने वाले टाइम में कभी भी खरड़ में या मोहाली में कहीं पे भी घर वगैरह या प्लॉट वगैरह कुछ भी सर्च कर रहे हो प्रॉपर्टी अपने लिए, तो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, राइट। तो इसी के साथ ही मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।